एंडर्स मार्ड अपने प्लेन में एक दिलचस्प सामान फिट कर रहे हैं, सॉल्ट कार्ट्रिज। उन्हें उम्मीद है कि इससे बारिश होगी। मार्ड बारिश करवाते हैं और आज वो अपनी संभावनाओं को तौल रहे हैं। स्वीडन के रहने वाले मार्ड उड़ान भरने से पहले चीज़ों पर आखिरी नज़र डालते हैं। अरब अमीरात के ऊपर बादलों से बारिश करवाने के लिए उनके पास 3 घंटे हैं। ये मुश्किल काम है। मेरे जैसे इंसान के लिए क्लाउड सीडिंग का काम थोड़ा असामान्य है, क्योंकि यात्रियों की सुविधा के लिए अपने करियर में ज्यादातर समय मैंने बादलों से बचने की कोशिश की है। वहीं अब मैं बादल के भीतर तो नहीं, लेकिन उसके बिल्कुल किनारे प्लेन लेकर जाता हूं। इसमें मुश्किल भी हो सकती है। रेगिस्तान से प्लेन उड़ाकर बादलों तक पहुंचना, जब सब धुंधला दिख रहा हो और तापमान 35 डिग्री सेल्सियस हो, तो ये मिशन काफी महत्वाकांक्षी है। अमीरात में पानी की बहुत कमी है, लेकिन दुबई जैसे आलीशान शहरों में इसकी खपत बहुत ज्यादा है। यहाँ बहुत निर्माण कार्य होता है और हर साल करीब 8 लाख लोग तेल से संपन्न इस जगह पर बसने आते हैं, बढ़ते तापमान और गिरते भूजल स्तर के बावजूद। अमीरात में फसल उगाना और मुश्किल होता जा रहा है। 5 साल पहले रिटायर होते समय सालाह अल हमादी ने खेती में हाथ आजमाने का सोचा। 63 साल के अल हमादी दुबई के बाहरी इलाके में अपने छोटे से खेत में अंजीर, अनार, मक्का और खजूर उगाते हैं। वो 300 मीटर गहरे कुएं से पानी निकालते हैं। हर साल पानी का स्तर घटता जा रहा है। अल हमादी अपने फलों में एक दिन में ज्यादा से ज्यादा 3 घंटे पानी लगा सकते हैं। वो कहते हैं कि बहुत से फल गर्मी में झुलस जाते हैं और बेचने लायक नहीं बचते। हम बारिश के लिए प्रार्थना करते हैं, पानी के लिए अल्लाह से विनती करते हैं। पानी के बिना इंसान कुछ नहीं कर सकता। अबू धाबी के राष्ट्रीय मौसम विज्ञान केंद्र में वैज्ञानिक समस्या का जमीनी समाधान खोजने पर काम कर रहे हैं। अहमद अल कमाली मौसम से जुड़े ताज़ा आंकड़े टीम के आगे रखते हैं और अनुमान लगाते हैं कि कौन सा बादल कब और कहां पहुंचेगा। ऐसा नहीं कि अमीरात के ऊपर बादल न मंडराते हों, लेकिन ज्यादातर बादल बारिश नहीं लाते। अपने 4 प्रोपेलर विमानों की मदद से वैज्ञानिक सोडियम और पोटेशियम क्लोराइड बादलों में छोड़ते हैं। नमक के अंश बादलों में मौजूद पानी से मिलकर भारी हो जाते हैं और बरस जाते हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक इसके कारण कहीं और बारिश में कमी नहीं आती। उनका कहना है कि इस तरीके के नतीजे उम्मीद जगाते हैं। हमने हाल ही में बारिश बढ़ाने पर एक शोध किया और पाया कि क्लाउड सीडिंग की वजह से यूएई में बारिश औसतन 23% बढ़ गई है। सबसे अच्छी स्थिति में बारिश 35% तक ज्यादा हो सकती है। खाड़ी के ऊपर आसमान में घने बादल जमा हो रहे हैं। अहमद अल कमाली एंडर्स मार्ट से संपर्क करके उन्हें बादलों की लोकेशन बताते हैं। पायलट विमान लेकर बादलों की ओर बढ़ते हैं। अब सब कुछ टाइमिंग पर निर्भर करता है। एक ही समय पर कई चीजें करनी होती हैं। आपको प्लेन उड़ाना है, बादलों के इर्द गिर्द विमान चलाना है ताकि आप सही समय पर सही जगह मौजूद हों। साथ ही बादल बनने की वास्तविक स्थिति के मुताबिक प्लेन उड़ाने का भी ध्यान रखना होता है। निर्देश मिलने पर एंडर्स मार्ड 4 राउंड दागते हैं। वो धीरे धीरे प्लेन की लोकेशन भी बदलते हैं। कंट्रोल रूम में मौसम विज्ञानी मार्ड के लिए बादलों की अगली लोकेशन खोज रहे हैं। 3 घंटे में वो करीब 20 क्लाउड सीडिंग कर चुके हैं। अक्सर इसके नतीजे तुरंत दिख जाते हैं। बारिश होने पर पूरी टीम खुश होती है। मुझे यकीन है कि ये तकनीक कारगर है। मैं ये नहीं कहता कि भविष्य में इससे बेहतर कोई तरीका खोजा नहीं जा सकता, लेकिन फिलहाल तो हम जो कर रहे हैं उस पर मुझे पूरा यकीन है। रेगिस्तान में बारिश वरदान समझी जाती है।
सलाह अल हमादी को बचपन से ही मौसम से जुड़ी चीजों में दिलचस्पी रही है। जब भी मुमकिन होता है वो बारिश के वीडियो बनाते हैं। वो धार्मिक हैं, लेकिन उन्हें इस बात से कोई दिक्कत नहीं कि अल्लाह की जगह इंसान बारिश करा रहे हैं। कुरान में विज्ञान की मनाही नहीं है, बल्कि ये जरूरी है कि लोग ऐसी चीजें खोजें जिनसे इंसानों का फायदा हो। पहले लोग बादलों पर ज्यादा ध्यान नहीं देते थे, लेकिन अब ये हमारी जरूरत बन गया है। हमें ज्यादा पानी हासिल करने के तरीके खोजने होंगे। आलोचकों के मुताबिक ये क्लाउड सीडिंग प्रोग्राम अवैज्ञानिक है और इसकी सफलता प्रमाणित नहीं है। राष्ट्रीय मौसम विज्ञान केंद्र के प्रमुख इन आलोचनाओं को खारिज करते हैं। उनका ये भी कहना है कि समुद्र के पानी का खारापन मिटाने की प्रक्रिया इसके मुकाबले कहीं ज्यादा महंगी है। ये प्रोग्राम सफल है और हम बहुत सारे लोगों को इसे अपनाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। हम वर्ल्ड मीट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के संपर्क में हैं। इस प्रोग्राम से जुड़े ब्यौरे उन्हें दिए जाएंगे। कई और देश भी हमसे संपर्क कर रहे हैं, उन्हें भी इसका फायदा मिलेगा। एंडर्स मार्ड विमान से बाहर आते हैं। वो थक गए हैं, लेकिन खुश हैं। उन्होंने 40 कार्टिज दागे और 4 बादलों की सीडिंग में कामयाबी मिली। आज मैंने बारिश कराई, हाँ मैं गर्व से ऐसा कह सकता हूँ। एंडर्स मार्ड की उड़ानें शायद जलवायु परिवर्तन को ना रोक पाए और ना ही पानी की कमी दूर कर पाए, लेकिन वो थोड़ी ज्यादा बारिश तो करा ही सकते हैं, जिसकी सबको जरूरत है।